तीसरी मंजिल पे जो आईसीयू के अंदर एक मरीज अपनी जिंदगी मौत से संघर्ष कर रहा है, उसको अगर इस सरकारी लिफ्ट की सुविधा नहीं मिलती है और उसको रैंप से नीचे लाते लाते के अंदर दौरान मान लीजिए परिजनों के साथ में अगर कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है तो यहाँ के तो ग्राउंड स्टाफ वैसे भी कोई हेल्प करते ही नहीं है। फिर उसके बाद में तीसरी मंजिल से नीचे लाते लाते सर मरीज नीचे गिर जाए या वो ट्रॉली हम लोगों के हाथ से छूट जाए, उसके लिए भी कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ परिजन जिम्मेदार है। काहे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, काहे कि मुख्यमंत्री सहयोगी योजना, इतनी सारी योजना चला दी, पॉकेट की क्या मतलब निकल रहा है? तो उन्होंने बोला बेटा मैं तो मर गया हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। इतनी सी बात सुनी सर, हम लोग खाना खा रहे थे, खाना वाना छोड़ छोड़ा के अर्जेंट में इमरजेंसी यूनिट तक आए, वहाँ पे उनको भर्ती किया, जो भी प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए वो प्राथमिक चिकित्सा भी काफ़ी देर बाद में मिली। वैसे मेरे को फ़ोन करवाना पड़ा डॉक्टर अनुराग जी तलेसरा से, परिजन अगर है नहीं है साथ में तो धक्का लगाने वाला, जब तक कोई नहीं है तब तक वो मरीज यहीं पर बैठा रहेगा। पर इतना देर में कोई मरे तो पहले मरिया नहीं, मर गया ही नहीं, इतना तो मर गया, और कितना मरेगा, मरेगा एक करने सब मरेगा। यहाँ के कोई डॉक्टर साहब है और डॉक्टर साहब ने इस लिफ्ट के ठेकेदार का पेमेंट रोक रखा है। अच्छा, और लिफ्ट ने ठेकेदार ने लिफ्ट रोक रखी, सीधी सी बात है। तो मैं अभी दिखवा करके अभी के अभी मैं कंपनी से बात करेंगे और आगे की प्रोसेस हम तुरंत प्रवास ठीक करेंगे उसको। आपने जो भी चीज़ बताया ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सुझाव है एक तरह से कि कोई भी कमी हमारे सामने आए, यदि कोई ऐसे कोई स्टाफ ने इस तरह की मिस्टेक की है अभी हम दिखवा कर उसको रेक्टिफाई कराएंगे। चूँकि हम ये ध्यान देते हैं कि किसी भी सरकारी संस्थान में मरीज को मना नहीं किया जाए, परंतु पहले एम है कि मरीज को कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत उसको भर्ती करके इलाज किया जाए, उसको इलाज के लिए ये कह करके मना नहीं किया जाए कि बेड खाली इसलिए हम भर्ती नहीं करें, परंतु पहले हमको ये देखना है कि हमारे पास क्या है और वो सही तरीके से चल रहा है, सही तरीके से पहले हम उसको चलाएं, देन आगे की बात करते हैं। पेमेंट का बहाना मारकर ये नहीं कह सकता मेरा पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट एक अलग कंडीशन है, राज्य सरकार में पैसा कहीं नहीं जाता। पैसे की वजह से तो क्या वो जिम्मेदार जो व्यक्ति जिम्मेदार, हम कार्रवाई करेंगे, हाँ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग हॉस्पिटल परिसर में हैं और ट्रोमा सेंटर के बाहर हम लोग हैं। तो आपको हॉस्पिटल परिसर की लापरवाही का आलम यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि किस तरह से लापरवाही का आलम पूरे हॉस्पिटल परिसर में है और मरीज के परिजन यहाँ पर काफ़ी परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आप देखें कि किस तरह से मरीजों को लिफ्ट होने के बावजूद भी इस मार्ग से यहाँ पर लाया जा रहा है, आईसीयू यहाँ पर है। आप देखें कि लिफ्ट यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है, बंद है लिफ्ट विगत 5 दिनों से। इस पूरे मसलात में हमारे को यहाँ पर जो परिसर के अंदर जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों ने हमें बताया कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। कुछ मरीज के परिजनों से हम बात करते हैं। तो मरीज के परिजन माथुर साहब हमारे साथ हैं, आपने इसकी कंप्लेंट सीएम पोर्टल पर भी करी। जी सर, ऐसी जानकारी आपने हमें दी। आप बताएं कि किस तरह से आम मरीज के परिजन यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आईसीयू यहाँ पर है जी, तो इसका तो पूरा उपयोग यहाँ पर होगा, ट्रोमा सेंटर है। बिल्कुल सर, ट्रोमा सेंटर है ये। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि अस्थि रोग विशेष विभाग का एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट और सबसे इम्पोर्टेंट ये बिल्डिंग है। यहाँ पे आईसीयू के अंदर जिन मरीजों को, ऐसे मरीजों को शिफ्ट किया जाता है जो अपनी ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे होते हैं, जिनकी हार्ट बीट और जिनकी सेचुरेशन क्लियर नहीं होती, उन लोगों को ऐसे आईसीयू के अंदर एसी एनवायरनमेंट में रखा जाता है। और सर उन मरीजों की 17 तरह की जाँच यहाँ से विभाग के द्वारा कराई जाती है। तीसरी मंजिल पर जो आईसीयू के अंदर एक मरीज अपनी ज़िंदगी मौत से संघर्ष कर रहा है, उसको अगर इस सरकारी लिफ्ट की सुविधा नहीं मिलती है और उसको रैंप से नीचे लाते लाते के अंदर दौरान मान लीजिए परिजनों के साथ में अगर कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है तो यहाँ के तो ग्राउंड स्टाफ वैसे भी कोई हेल्प करते ही नहीं है। ठीक है, परिजनों को ही संभालना है, परिजनों को स्टेशन के ऊपर उसको दूसरे वार्ड तक ले जाना है, एक्सरे तक ले जाना है, उसको 29 नंबर रिपोर्ट लानी है, जो भी करनी है उसको परिजनों को ही करनी है, यहाँ के ग्राउंड स्टाफ से तो कोई मदद मिलती नहीं है। फिर उसके बाद में तीसरी मंजिल से नीचे लाते लाते सर मरीज नीचे गिर जाए या वो ट्रॉली हम लोगों के हाथ से छूट जाए, उसके लिए भी कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ परिजन जिम्मेदार है। काई को सर ये दो दो लिफ्ट चला रखी है, एक लिफ्ट को स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए यूज़ करने के लिए बनाया हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर लिखा हुआ है, दूसरी लिफ्ट को सिर्फ केवल मरीजों के लिए ऐसे स्लोगन के साथ में वहाँ पे लगा रखा है। तो जब आईसीयू के अंदर लिफ्ट चालू नहीं है तो मतलब क्या फिर सरकारी हॉस्पिटल की सारी सुविधाओं का? काहे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, काहे कि मुख्यमंत्री सहयोगी योजना, इतनी सारी योजना चला दी, पॉकेट की क्या मतलब निकल रहा है ये बताओ? लिफ्ट ही चालू नहीं है, कैसे ले जाए पेशेंट को, लेके आना है अर्जेंट, लेके आना है 2 मिनट के अंदर नीचे, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन नीचे अवेलेबल है ऊपर नहीं है, या ऊपर अवेलेबल है नीचे नहीं है, नीचे से उसको उसके वार्ड के अंदर पहुंचाना है, ऑक्सीजन तक पहुंचाना है, बिना लिफ्ट के वो कैसे पहुंचा? ऑक्सीजन के चक्कर में आदमी खत्म हो जाए। अरे हमें 9 मोता बेच चुकी है भाई साहब, 9 मोता आटे बेच चुकी है हमारे, हमें वही ट्रोमा इमरजेंसी रे महीने वनडे महीनू एक लाश ने घाटली बांधने एम्बुलेंस रे महीने चढ़ावा रे चक्कर महीने चोर उचो का पाचू मारो मोबाइल निकाल ली दो भाई साहब। 2017 में गवर्नमेंट सर्विस कर रही हूँ, 8 अधिकारी चेंज हो चुके हैं, वरना 8 ही अधिकारी कोडे में जो काम की दो वो सब वही मोबाइल रिमांड बंद है। अंडी में शिकायत में 181 पे नाकी है कि पुलिस की तरफ को मैंने कोई हाल तक सहायता नहीं मिली हमारा मोबाइल ढूंढवा रहे मामला में। यही मोबाइल अगर कहीं मर्डर केस जुड़े लोगों वे तो पुलिस 24 घंटा रमेने मोबाइल ले आती भाई साहब, पर एक सरकारी सेवक को मोबाइल लेवा रहा मैंने तकलीफ फेरी बनाने।
तो था मतलब अटे थाना कौन मरीज बढ़ती है पहला देवता? मेरे चाचा ससुर जी का एक्सीडेंट अम्मा माता थाने के बाहर 16 तारीख को नाइट में 10 बजे हुआ था भाई साहब। 10:30 बजे तक हम लोगों को सूचना मिली सैटेलाइट हॉस्पिटल से माथुर साहब की, डॉक्टर माथुर की। उन्होंने बोला आप जो कुछ भी कर रहे हो तुरंत वर्तमान में वो सारी चीज़ें छोड़ छुड़ा के और इमरजेंसी पहुँचो, जिनसे आपको बात कराई है वो आपके क्या लगते हैं? उन मैंने बोला मेरे चाचा ससुर जी है, मेरी वाइफ के चाचा जी है, मेरी वाइफ मेरे पास बैठी है। वाइफ को बात कराई तो उन्होंने बोला बेटा मैं तो मर गया हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। इतनी सी बात सुनी सर, हम लोग खाना खा रहे थे, खाना वाना छोड़ छुड़ा के अर्जेंट में इमरजेंसी यूनिट तक आए, वहाँ पर उनको भर्ती किया। जो भी प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए वो प्राथमिक चिकित्सा भी काफ़ी देर बाद में मिली। वैसे मेरे को फ़ोन करवाना पड़ा डॉक्टर अनुराग जी तलेसरा से, मैं उनको इसलिए जानता हूँ कि रिसेंटली मेरी बेटी का भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया। अनुराग जी तलेसरा इस कंपार्ट के सीनियर फिजिशियन है। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं वहाँ के ग्राउंड स्टाफ से उनकी बात करा दूँ। ग्राउंड स्टाफ से बात कराने के बाद में मेरे को तत्काल सारी सहायता मेडिकल स्टाफ से मिल गई। फिर उसके बाद में उन लोगों को यहाँ तक लेकर आना था, तो यहाँ तक लाना है तो सर वो 50 रुपये तो खर्च करना ही है, ट्रॉली के देने ही है सर। फिर भी दिए हैं कि ये सबको राजी रखा। उसके बाद में सर अपलिफ्ट बंद हो गई, ट्रॉली के अंदर लेके जाना है मरीज को तीसरे यूनिट पे। परिजन अगर है नहीं है साथ में तो धक्का लगाने वाला, जब तक कोई नहीं है तब तक वो मरीज यहीं पे बैठा रहेगा। और इतना देर में कोई मरे तो बलि मरिया नहीं, मर गया ही नहीं, इतना तो मर गया, और कितना मरेगा? मरेगा एक एक करने सब मरेगा, और कोई बोल सका? अब सरकार से क्या चाहते हो? सरकार क्या करेगी सर? मुख्यमंत्री इसके लिए मतलब ये लिफ्ट जो है बंद है, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ, लिफ्ट जो है बंद है जी, इसको पेमेंट तो सरकार देती होगी ना? ऑब्वियसली सरकार के बजट से ही सारे भुगतान किए जाते हैं सर। मैं शिक्षा तो फिर यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है क्या इसको? ये टेक्निकल रीजन तो यहीं का हिसाब बताएंगे, वहाँ के यहाँ के सीनियर लोग बताएंगे सर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बताएंगे। आपने जहाँ पर कंप्लेन करी, आपने किसी को बोला होगा, उन्होंने क्या हवाला दिया आप? सर मेरे को तो जो अंडरग्राउंड बातचीत करते हैं होटलों के ऊपर बैठ के जो चर्चाएं होती है, उन चर्चाओं के अनुसार मेरे को ये पता पड़ा कि यहाँ के कोई डॉक्टर साहब है, उन डॉक्टर साहब ने इस लिफ्ट के ठेकेदार का पेमेंट रोक रखा है। अच्छा, और लिफ्ट ने ठेकेदार ने लिफ्ट रोक रखी है, सीधी सी बात है। आप ठेकेदार को पकड़ो, ठेकेदार खुद उसकी व्यथा गा देगा आपके सामने जी। कॉन्टेक्ट करो आप, ठेकेदार कौन है आप लीजिए, यहाँ के स्टाफ से नंबर लीजिए ठेकेदार के, ठेकेदार से बात कीजिए, वो कैमरे को सामने लाइए उसके, वो बोलेगा उसकी हकीकत, उसके दिल की व्यथा बताएगा, क्यों परेशान है, ऑफिस क्यों बंद कर रखी है जी। 6 दिन में एक लिफ्ट का अगर मेंटेनेंस नहीं हो पावे तो फिर ऐसे ठेकेदार को हटा देना चाहिए या फिर लिफ्ट को हटा देना चाहिए, या पता सरकार ने हटा देना, या पता सरकार ने हटा देना चाहिए। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं भाई साहब, आप कहते कतरा धनु हटा? मेरे को 3 दिन है, 3 दिन हो गए लिफ्ट नहीं चल रही, उससे परेशानी है कुछ? परेशानी है, मरीज को जाना आना परेशानी जोरदार है, परेशानी जोरदार। 104 नंबर में वार्ड में भर्ती है मरीज, तो वहाँ 10-15 मरीज नीचे से हो गए। अच्छा, तो बेड की भी व्यवस्था नहीं है, कम है, बेड भी नहीं है? नहीं, अस्पताल में बेड नहीं, कम है, बेड कम है, मतलब पूरी व्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो मैंने देखा रात को, मैंने फोटो भी लिए, फोटो भी बताओ, ये मैंने लिए चले, मतलब यार यहाँ पर आप ये बता रहे हो कि चलो लिफ्ट नहीं चल रही है वो भी एक बात मान ली, पर अटे मरीज ने जमीन पे हुई रखी हो? जमीन पे सो रहे, 10-15 मरीज जमीन पे सो रहे रात को, 15-15 मरीज जमीन पे। हाँ हाँ, ये फोटो देखो, फोटो में नहीं दिख रहे मरीज, देखो ये फोटो, तो कम से कम झूठ नहीं बोल रहे होंगे। यहाँ पर लोग जमीन पर सोने को विवश है, बंद है, आप उसका जवाब दे दीजिए बस, आप बता दें लिफ्ट किस वजह से बंद है भाई? आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, सर को पूछ लीजिए। कौन से सर को पूछना है? वारंटी में है, सुमन सर अधीक्षक। मैडम इस कंपाउंड की तो टेरिटरी में आप बैठे हैं ना, आपके बाहर लगा रहा बोर्ड, जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ नर्सिंग अधीक्षक का बोर्ड लग रहा है, तो आपसे पूछेंगे आपके यहाँ के विभाग का क्या मसला है, फिर आरएल सरमन साहब से ही पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिफ्ट क्यों नहीं चालू हुई 5 दिन से? मरीज के परिजन काफी परेशान हो रहे हैं, मरीज भी परेशान हो रहे हैं, लिफ्ट क्यों नहीं चालू हुई? लिफ्ट के फ्यूज उड़ गए हैं इसके, लिफ्ट के फ्यूज उड़ गए, तो 5 दिन से आपको नहीं लगा कि उस फ्यूज को सही कराना चाहिए? सर ने लिख के दिया हमारे नर्सिंग अधीक्षक के यहाँ, पर इस दरमियान में अगर किसी मरीज के साथ कोई मेंटल वाली लिफ्ट चल रही है उसकी। अच्छा, तो फिर दूसरे परिजनों को यहाँ पर रोमा आईसीयू में जाने के लिए क्या लिफ्ट है? उधर से आती है कोई सहायक कर्मचारी ने, किसी ने वार्ड बॉय ने हमारी हेल्प नहीं करी है ना, वो उधर इसके मेंटल का लिफ्ट चलती है। मैंने तो अनुभव लिया है ना मैडम, मरीज
को हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर यहाँ पर जमीन पर लेटा कर यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। आज 75 वर्ष के बाद भी आजाद भारत में हम लोग हैं और इस तरह की व्यवस्था है। डॉक्टर साहब, इस तरह से इलाज होता है आपके? नहीं, नहीं हो रहा है क्या? होना नहीं चाहिए, तो ठीक है, हो रहा है आपके सामने। डॉक्टर साहब, तुमसे अपने जमीन से तो पूछो। और इस तरह से वाकई में इलाज करना उचित है। मरीज के परिजन हमारे साथ हैं, आपको जिस तरह से आप देखें कि किस तरह से वाकई में लिफ्ट बंद होने की वजह से धक्के मारकर लाने पर विवश है, परिजन भी धक्का लगाने पर यहाँ विवश है। जो हमने पूरा आपको दिखाया कि किस तरह से व्यवस्थाओं की कमी के कारण यहाँ पर मरीज और मरीज के परिजन काफी परेशान हो रहे हैं। और ये 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी की जो तस्वीर है, हमने बहुत धूमधाम से हमारा 75वां वर्षगांठ बनाया था आज़ादी का, और आज़ाद भारत की अगर ये तस्वीरें हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें नहीं चाहिए। अंदर आप देखेंगे किस तरह से व्यवस्थाओं पर आलम है, मरीज का यही इलाज चल रहा है। अरे महीने बेड नहीं है, अरे इलाज चल रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इलाज यहाँ पर चल रहा है। मरीज यहाँ पर अंदर बेड की जगह बाहर यहाँ पर जहाँ पर परिजन इंतजार करते हैं वहां पर ही उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। और तमाम चीजें आपके सामने हैं। बेड नहीं जगह नहीं, ध्यान रख रहे हैं? ये ध्यान रख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरह से होता है बेड नहीं। तो बेड के लिए सर आपने आगे बोला क्या? मैं तो इंटरन देख रहा हूँ। जो बेड वाले से जो यूनिट हेड वगैरह ना लिफ्ट चालू है तो मैं कैसे कर पाता हूँ? आप सर यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, तो आप इन व्यवस्थाओं के लिए आप आगे अच्छी तरह से कह सकते हैं। सही बात है जी। तो सारी प्रशासन की बात है भैया यहाँ पर। और देखिए किस तरह से मरीज और मरीज के परिजन यहाँ पर परेशान है। अंदर की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर मरीज और मरीज के परिजन परेशान है। सुविधा पूरी की मिल रही है आपने? मरीज ज्यादा व्यवस्था करेगा सरकार? सही बात है, व्यवस्था करवाने बात है सरकार है। आधी गोली में गोली बंद दे रहा ना, लिफ्ट चल रही ना, गोली दे रहा ना, बेड है तो भी मारेगी अपने मन का। खून पतला बीमारी गोली भी नहीं दे रहा, 3 महीना बंद है तो लिख रहा है। देवा वाला नहीं दे रहा है, लिफ्ट चालू नहीं है, बेड नहीं है। सरकार की गलती है, उनकी गलती है, बेड नहीं दे रहे। डॉक्टर तो बेचारे डॉक्टर कर रहे हैं, सरकार की गलती है, मोदी की गलती। मोदी जीता है, मोदी करो नहीं हटे। अशोक गहलोत तो बेचारा कतरा कलम दीदा, सब दीदा, सब दीदो इसे बेचारा वही। सही बात। तो आप देखा कि किस तरह से मरीज और मरीज के परिजन भी यहाँ पर काफी परेशान है। हालांकि डॉक्टर के लिए काफी उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अपना कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार की तरफ से यहाँ पर उचित प्रबंध नहीं है। तो सरकार का भी ध्यान इसको आकर्षित कराना चाहेंगे कि उचित प्रबंध यहाँ पर किए जाए, ताकि मरीज और मरीज के परिजन यहाँ पर परेशान ना हो, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जान की कीमत यहाँ पर है। तो ट्रॉमा सेंटर में जिस तरह से अव्यवस्थाओं का आलम था, उसको लेकर अधीक्षक महोदय हमारे साथ हैं, आरएल सुमन साहब। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आज हम ट्रोमा सेंटर गए थे क्योंकि मरीज के परिजनों का एक फ़ोन आया था कि लिफ्ट जो है जो आईसीयू तक जाती है, आईसीयू के पेशेंट उसमें आते हैं, वो लिफ्ट विगत 5 दिनों से बंद है। इस पर क्या कहेंगे सर?
देखिए विगत 5 दिनों की तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अभी बीएफसी की मीटिंग में गया हुआ था पिछले 3 दिन से, तो मैं पिछले 3-4 दिन छुट्टी था, मैं आज ही ज्वाइन किया इस तरीके से। आपने जो ऐसे बताया तो मैंने परचेज सेक्शन को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं और जो भी अभी आगे की कार्रवाई में अभी कर देंगे हम कि लिफ्ट ठीक क्यों नहीं हुई, यदि इन्फॉर्मेशन थी नहीं हुई थे उसके आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं अभी। तो जहाँ तक लिफ्ट का सवाल है कि लिफ्ट बंद हो जाती है, मैकेनिकली होता है, हमारे पास में अल्टरनेटिव वहाँ पर एक लिफ्ट है, हमारे ट्रोमा जो पोरवाल कोटेज है उसमें भी एक लिफ्ट लगा रखी है हमने। तो मरीज को यदि कोई भी दिक्कत होती है ऊपर नीचे ले जाने के लिए हम उस लिफ्ट को भी काम में लेते हैं। मशीन यदि ख़राब हो जाती है तो हम उसको तुरंत उसके ऊपर ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं और यदि यहाँ ठीक होने वाली होती है तो उसके जो मैकेनिक होते हैं वो यहाँ ठीक कर देते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी खराबी आ जाती है जो यहाँ ठीक नहीं हो सकती है, ये इंजीनियर वहाँ से आना होता है तो उसमें 1-2 दिन का समय लग जाता है। पर चूंकि इसके ऊपर क्या कार्रवाई अभी पिछले वो आपने जो बताया सिखाया, तो मैं अभी दिखवा करके अभी के अभी मैं कंपनी से बात करेंगे और आगे की प्रोसेस हम तुरंत प्रवास से ठीक करेंगे उसको। मरीज के परिजन ने ये हवाला दिया कि अगर वहाँ पर कोई अटेंडेंट साथ में नहीं होता है, 3 मंजिल तक ऊपर ले जाना होता है, तो आप जो वैकल्पिक लिफ्ट की बात कर रहे हैं उसका प्रयोग नहीं होता है, रैम से उनको ले जाया जाता है, जिसमें अगर परिजन हाथ नहीं लगा सकते हैं तो वो तब तक कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा जब तक भी मरीज वहीं रहता है। आपने जो भी चीज़ बताया ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सुझाव है एक तरह से कि कोई भी कमी हमारे सामने आए, यदि कोई ऐसे कोई स्टाफ ने इस तरह की मिस्टेक किए अभी हम दिखवा कर उसको रेक्टिफाई कराएंगे। हमने वैसे हर बिल्डिंग के यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स लगा रखे हैं और वो कोऑर्डिनेटर कोई भी मरीज आता है, इवन एम्बुलेंस जब भी आती है तो तुरंत उसको असिस्ट करके पहुँचाता है। हो सकता है कि कभी एक साथ 2-4 मरीज आ गए हों दूसरे के लिए लिफ्ट के, मतलब वो भाई जो हमारी वार्ड आया है वो दूसरे मरीज को लेके गई हो और वो भी आने में देरी हो गई, वो एक अलग परिस्थिति हो सकती है। परंतु चूंकि हमने कोऑर्डिनेटर्स लगा रखे हैं, हमने स्टाफ लगा रखा है, परंतु फिर भी यदि कहीं ऐसा हुआ है तो हम दिखवा करके उसका संज्ञान लेंगे जी। अब दूसरा, जब हम खरवर तो खैर लिफ्ट की करने गए थे पर वहाँ हमने जो व्यवस्थाओं का आलम देखा वो इस तरह था कि सर हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अभी हमने हाल ही में बनाई और उसके बाद आज़ाद भारत में 75 साल बाद भी हम मेडिकल की सुविधाओं की बुनियादी नीड को पूरा नहीं कर पा रहे। मरीज बिल्कुल जो कंपाउंड है उसमें नीचे ज़मीन पर उनका इलाज हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये इस टाइम पे थोड़ा सीजनल डिजीज होती है जी। बारिश के बाद में इस तरह की होता है, तो आपने देखा बुखार के मरीज, चिकनगुनिया, डेंगू के मरीज, तो ये आकस्मिक परिस्थितियां होते हैं जब नंबर बढ़ता है हमारा जी। और जब नंबर बढ़ता है तो उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि बेड पहले से ही कोई इस तरह की राज्य सरकार द्वारा जो मापदंड है उसी के मुताबिक हमारे पास बेड होते हैं। चूंकि हम ये ध्यान देते हैं कि किसी भी सरकारी संस्थान में मरीज को मना नहीं किया जाए, हमारा पहली प्रायोरिटी होती है मरीज को मना नहीं करना और हमने किसी को मरीज को मना नहीं किया और बेड नहीं खाली था तभी हमने मना नहीं किया और उसको जो राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधा दे सकते हैं उसको हमने इलाज किया। चूंकि बेड एक दिन में इतने इतने मरीज भर्ती होते हैं, आज की डेट में मेरे पास 350 मरीज भर्ती हो चुके हैं अभी तक जी। तो इतने मरीजों के लिए कई बार बेड की व्यवस्था होती है तो हम आगे से आगे खाली करके जैसे भी आता है तो पहले उसका इलाज शुरू करते हैं, फिर जो मरीज शिफ्ट हो सकते हैं वार्ड में या आईसीयू में शिफ्ट होते हैं या जिनको डिस्चार्ज देते हैं तो हम प्रायोरिटाइज करके करते हैं। फिर भी यदि शाम तक कोई बचता है तो हम बाजू के वार्ड में कोई भी यदि खाली रहता है उस वार्ड में हम उसको बेड दे दिया जाता है। पर चूंकि हमारा एम बेड है, मैं नहीं कहता हूँ बेड नहीं है, परंतु पहले एम है कि मरीज को कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत उसको भर्ती करके इलाज किया जाए, उसको इलाज के लिए ये कह करके मना नहीं किया जाए कि बेड खाली इसलिए हम भर्ती नहीं करेंगे। प्राइवेट में बेड खाली होता नहीं होता तो नहीं भर्ती किया जाता, डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं, उन्होंने कहा डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और बखूबी उनका जो कर्तव्य है उसका निर्वाह कर रहे हैं। पर जब आपको, हमें सबको मालूम है, आपने जैसा बताया कि भाई बारिश के बाद सीजनल एक आता है तो उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं के लिए सरकार को कोई पत्र खोल रखा है? हमने इवन वार्ड हमने एक्स्ट्रा बढ़ा रखे हैं, डेंगू के चिकनगुनिया के जो मरीज आए थे हमने स्वाइन फ्लू के ऊपर पूरा 50 बेड एक्स्ट्रा खोले हैं इस तरीके से। तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर बढ़ता है हम खोलते जाते हैं, पर चूंकि 50 बेड से ज़्यादा हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो अभी हमने दूसरा वार्ड नहीं खोला है, बाकी हमने एक 50 बेड का वार्ड खोल दिया था इस तरीके, और जैसे ही वो भरने लग जाएगा तो हम दूसरा वार्ड खोल देंगे। तो राज्य सरकार के और इवन हमारे लेवल पर भी दिशा निर्देश क्लियर कट होते हैं कि जैसे आवश्यकता होगी हम दूसरा खोल देंगे, पर चूंकि पहले हम वार्ड में व्यवस्था बनाए रखते हैं, क्योंकि हमें वार्ड खोलना एक ईजी काम है पर उसमें स्टाफ लगाना, उसमें डॉक्टर लगाना, बाकी ये सब कार्रवाई करना उतना ही डिफिकल्ट टास्क होता है। क्योंकि एक दिन में हम ना तो हम स्टाफ बढ़ा सकते हैं, जो है ही हमारे वही है, ना ही हम डॉक्टर बढ़ा सकते हैं, तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमको इलाज करना होता है। तो जैसे भी यदि हमें बढ़ेगा तो हम राज्य सरकार से भी डिमांड करते हैं कि नंबर ऑफ स्टाफ या डॉक्टर हमें बढ़ा दीजिए, पेरिफेरी से पोस्ट करा दीजिएगा, परंतु जब तक काम चलता है तब तक हम हमारी परिस्थितियों में अच्छी से अच्छी कोशिश करते हैं जी।
आर.एल. सुमन साहब, आप अधीक्षक हैं, अभी आपने जो बात बताई बिल्कुल 101% आपने बिल्कुल सहमति हमारी उस बात में कि भाई जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप आप कार्य करते हैं। बाकी आम इंसान के नाते, आर.एल. सुमन साहब भी एक आम इंसान है, आम इंसान के नाते नहीं लगता कि इससे बेहतर व्यवस्थाएँ हो सकती है? देखिए, बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती है, मैं कभी नहीं कहता, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है जिंदगी में, परंतु पहले हमको ये देखना है कि हमारे पास क्या है और वो सही तरीके से चल रहा नहीं। सही तरीके से पहले हम उसको चलाएं, देन आगे की बात करते हैं हम। तो हमारे पास जो लिफ्ट है, तो हमारे पास लिफ्ट अल्टरनेटिव भी है। अब वो मशीन खराब होगी तो हम उसको सुधराने की कार्रवाई करते हैं। हमको लगता है कि ये लिफ्ट से काम नहीं करेगा तो हम अगले प्रपोजल लेके दूसरी लिफ्ट लगाएंगे। लिफ्ट खराब होना आपने बताया बिल्कुल वाजिब बात है, पर जब मरीज के परिजनों ने लिफ्ट के लिए कंप्लेन करी और उन्होंने कहीं से लिफ्ट का जो ठेकेदार है उससे भी बात करी, तो लिफ्ट के ठेकेदार का ये कहना था कि उसे पेमेंट नहीं मिला। देखिए, पेमेंट किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। पेमेंट राज्य सरकार का ट्रेजरी में बजट होता है, उसके मुताबिक जाता है। हो सकता है उसने बिल दिया, कब दिया, बिल वेरीफाई होता है। पेमेंट से और उसका लिफ्ट ठीक होने से कोई वो नहीं, क्योंकि वो CMC MC का होता है, तो वो पेमेंट का बहाना मारकर ये नहीं कह सकता मेरा पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट एक अलग कंडीशन है, राज्य सरकार में पैसा कहीं नहीं जाता, सरकार का पैसा कभी नहीं जाएगा, कहीं पे भी जाएगा हम बैठे हैं, उसकी यदि काम कराया तो उसको पेमेंट देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो सकता है कि आज ट्रेजरी में या हमारे पास बजट नहीं आया, रिलीज नहीं हुआ, डिले हो सकता है, पर पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो पेमेंट कोई कंडीशन है, पैसे की वजह से तो क्या वो जिम्मेदार जो व्यक्ति हम कार्रवाई करेंगे, हाँ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। यदि यदि उसकी वजह से उसने रोकी है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी आर.एल. सुमन साहब से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ करा कि अगर जो भी व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, और साथ ही में स्पष्ट यहाँ पर करा है कि जो व्यवस्थाएं इनके पास है उनमें ये बेहतरीन कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए कई बार सरकार को कहते भी हैं, पर पहले जो व्यवस्थाएं चल रही है वो सुचारू रूप से यहाँ चले, उस पर ध्यान देने की बात यहाँ पर की गई है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।